हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ चटपटी मसालेदार भिंडी आलू फ्राई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि भिंडी उनकी चिपचिपी हो जाती है, अच्छी नहीं बनती है, तो आज की वीडियो में मैं आपको यही टिप्स ट्रिक्स बताऊंगी कि भिंडी आपकी कैसे आपकी ड्राई रहेगी और सब्जी आपकी बिल्कुल मज़ेदार रहेगी। तो चलिए रेसिपी शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं पाव भर भिंडी, जिन्हें मैंने अच्छे से धो लिया है, सुखा लिया है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भिंडी आपकी चिपचिपी नहीं होनी चाहिए बाहर से, यानी कि ये ड्राई होनी चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। अगर भिंडियों में पानी है तो पंखे में थोड़ा सा इसे सुखा लीजिएगा। तो बस आप क्या करना है, हमने इन्हें कट कर लेना है छोटे छोटे पीसेज में। वैसे भिंडी आपको जैसे पसंद हो, लंबे में, मोटी में या छोटे छोटे स्लाइस में, तो वैसे आप कट कर लीजिएगा। तो ऊपर का पार्ट इस तरह से आप कट कर लीजिएगा और नीचे का पार्ट भी आप छोड़ दीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा, भिंडी में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। तो चिपचिपी नहीं होने का सबसे मेन रीज़न तो यही है कि भिंडियों में पानी नहीं होना चाहिए। तो सारे भिंडी हमने इस तरह से कट कर लिए हैं। तो अब भिंडी के लिए हमें चाहिए यहाँ पे प्याज। तो प्याज को मैंने लंबा लंबा बारीक बारीक कट किया है और आलू की स्लाइस भी मैंने इस तरह से कट कर रखी है, न ज़्यादा मोटी है न ज़्यादा पतली है। तो चलिए अब चलते गैस की तरफ। तो गैस में हम 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल गरम कर लेंगे, उसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा और इसमें थोड़ा सा हम हींग डाल देंगे और उसके बाद डाल देंगे हम प्याज। तो प्याज को हम हल्का सा गोल्डन कलर आने तक ही इसको भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है। प्याज, आलू, भिंडी, इन सबको भूनना है, बस थोड़ी थोड़ी देर ही हमने इन्हें भूनना है। जब प्याज का कलर इस तरीके से थोड़ा सा बदल जाए, यानी कि हल्का सा गुलाबी सा हो जाए, तब हम यहाँ पे आलू डालेंगे। तो आलू इस स्टेज पे हम डाल देंगे और साथ में डालेंगे हरी मिर्ची और यहाँ पे ग्रेट किया हुआ अदरक। अगर आप लहसुन यहाँ पे यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ठीक इसी स्टेज पे यहाँ पे लहसुन भी डाल सकते हो। तो बस बिना ढक्कन लगाए हमने इन सबको भूनना है जब तक आलू का कलर भी थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। तो देखिए हमारा आलू प्याज दोनों का कलर बहुत अच्छा आ गया है। तो अब इस स्टेज पर हम डालेंगे यहाँ पर भिंडी। तो फ्रेंड इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, थोड़ी देर हमने प्याज भूनना है, थोड़ी देर हमने आलू भूनना है और फिर उसके बाद हमने इन सबको भूनना है, तो तभी हमारी भिंडी जो है चिपचिपी नहीं होंगी। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमने भिंडी यानी कि कढ़ाई को कवर नहीं करना है, बस ऐसे ही 5 मिनट के लिए हमने इसे खुले आँच पर इस तरह से चलाते रहना है ताकि भिंडी में कोई भी एक्स्ट्रा पानी होगा तो वो सूख जाएगा। तो जब ये इस तरह से हमारा भिंडी सूख जाएंगी ना, आपको दिख जाएगा, तो उसके बाद हम यहाँ पे मसाले डालेंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और यहाँ पे डाल रही मैं जीरा और धनिया को भून के मैंने इसका पाउडर बनाया है। तो 2 चम्मच मैं यहाँ पे डालूँगी, इसी से भिंडी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ में किचन किंग का मैं यहाँ पे सब्जी मसाला यूज़ कर रही हूँ और इन्हें हम चला लेंगे। तो फ्रेंड हम यहाँ पे नमक नहीं डालेंगे, नमक हम बाद में डालेंगे। तो बस इन्हें चलाते हुए हम इसे मीडियम फ्लेम पे कवर कर लेंगे और उसके बाद हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर लेंगे, क्योंकि भिंडी कच्ची होती है, जल्दी पक जाती है। आलू और प्याज हमने ऑलरेडी फ्राई किया हुआ है, तो अब हम इसे कवर कर लेंगे। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट बाद हम सब्जी को एक बार पलट लेते हैं। आप देख सकते हैं भिंडी का टेक्चर बिल्कुल चिपचिपी नहीं है, बहुत अच्छे से इसमें कलर भी आया है। तो अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे फ्रेंड्स, जैसे कि अब हम यहाँ पे नमक ऐड करेंगे लास्ट में और यहाँ पे डालेंगे आमचूर पाउडर। तो आप इसके जगह पे नींबू का रस भी यहाँ पे डाल सकते हैं और इन्हें चला लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद फिर से हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर लेंगे और उसके बाद हमारी भिंडी की सब्जी तैयार। तो 3 से 4 मिनट बाद हम चेक करेंगे हमारी भिंडी आलू मसालेदार फ्राई बनके तैयार है। फ्रेंड सारी चीज़ें हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे बनाई है ना, तो देखिए सब्जी का कलर टेक्सचर कितना परफेक्ट आया है और भिंडी हमारी चिपचिपी भी नहीं हुई है। तो इस तरीके से आप बनाएगा ना, आपकी सब्जी बहुत ही अच्छी बनेगी और ये देखिए आलू भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गए। फ्रेंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और हरा धनिया डाल के हम इसे गार्निश कर लेंगे और इसे हम अब सर्व करते हैं।
तो ये लीजिए चटपटी मसालेदार भिंडी आलू फ्राई हमारी तैयार है। तो फ्रेंड आज की रेसिपी कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में प्लीज़ एक बार ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप कभी भी खा सकते हो, बच्चों के स्कूल टिफिन में भी रख सकते हो और एक सूखी सब्जी के रूप में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी हमारी ये सब्ज़ी बन के तैयार होती है। तो फ्रेंड एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस सीजन में। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।